बच्चों को जाना पड़ेगा। और जो भारत के लोगों के साथ उसने खिलवाड़ किया है, जो गालों पे गुलाल लगा के गाय खाने वाली सीमा, भैंसा खाने वाली सीमा, एक भड़ुई एक गाली ना दे, गाली ना दे प्लीज, हाँ जो अरे कुछ तो अच्छा चैनल नहीं बंद होगा, नहीं चैनल बंद हो ना हो लेकिन गाली ना दे प्लीज, क्योंकि हम एक क्यों अपनी भाषा खराब करना किसी के एक लिए? पाकिस्तान से आई बहेतू महिला चार बच्चों आप लफंगी बोल दें, आप लफंगी बोल दें, आप भगौड़ी बोल दें, एक महिला जिसका नाम सीमा है या मीमा है या टीमा है मुझे नहीं पता, जो भारत में आई है, मैं ऐसी महिलाओं का समर्थन नहीं करता, एकदम स्पष्ट। और जो 2024 की जो होली हमारे देश ने मनाई है, जो लोग सीमा का वीडियो देख रहे हैं जी, जो लोग सीमा को लाइक कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कराना चाहता हूँ, उनकी बीबी भाग जाएगी, अगर बीबी की उम्र ज्यादा हुई तो बेटी भाग जाएगी, अगर बेटी की उम्र कम हुई तो बहन भाग जाएगी, सब भाग जाएगी। बताइए आप कहाँ गायब थे, लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ भाग गए, इसको भगाना था, आप कहे थे इस मिशन पे लगा हूँ, आप कहाँ भाग गए भाई? नहीं नहीं मैं लगा हूँ, सीमा जा रही जेल में, बच्चे जा रहे पाकिस्तान, धैर्य रखिए, भारत संविधानिक देश है और हमें संविधान पर भरोसा है, आने वाले दिनों में भारत में बैठा भी, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, देश के संविधानिक क्रिया और प्रक्रिया के तहत सीमा को पाकिस्तान, उसके बच्चों को जाना पड़ेगा। और जो भारत के लोगों के साथ उसने खिलवाड़ किया है, जो गालों पे गुलाल लगा के गाय खाने वाली सीमा, भैंसा खाने वाली सीमा, आज इतनी बड़ी हिंदूवादी हो गई, काहे की हिंदू, किस बात की हिंदू, मतलब भैया पाप कर लो, चच्चठो मेहरा रख लो, चच्चठो आदमी के पास सो जाओ, चच्चठो बच्चा पैदा कर दो, और फिर लप्पू से सचिन, पप्पू से सचिन को मिल जाओ, वारे भाई क्या सिस्टम है। लेकिन ये भी तो देखिए कि हमारे देश में एक अनार के 100 बीमार हैं, वो 100 बीमार कहाँ से आ रहे हैं, देश ही पहली तो, बात देश ही पहली तो इसके लिए जिम्मेदार है, पहली बात तो वो अनार है ही नहीं, सुगर, सुगर जैसे होता, सुगर सुगर से भी बुरी, सुगर अच्छा। से भी सुगरिया से भी बुरी है सीमा, ठीक है, वो क्यों बुरी है मैं बताऊं, बताइए, सुगरिया इसलिए है कि सुगरिया सब कुछ खाती है, ओटी पोटी सोटी सब खाती है, वैसे ही सीमा का है, टुट्टी पोटी टुट्टी टुट्टी रोटी सब खा लेती है, ओटी बोटी टुट्टी रोटी रोटी पोटी सब, और उसने जितना छलावा करना था, जितना उसने जो है वो करना था, भारत के लोगों को मूर्ख बनाना था, भारत के लोग बड़ा इमोशनल्स हैं, भारत के लोग बड़ा प्यार देते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये रंगों का त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है, गले शिकवे मिटाएंगे, हम आपस में गले मिल जाएंगे, लेकिन भैया बात अगर छोटी मोटी हो तो गले लगाया जा सकता है, गाय खाने वाली, इसका बेटा उसका खतना हो रखा है, कैसे हिंदू बन जाएगा? एक बात बताइए नेताजी कि ये जो महिला है, जिस कदर इसके बारे में तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि ये कई लप्पू तो बस एक बहाना है, कई इसके बॉयफ्रेंड्स घूमते हैं, कई रोज आते हैं, रात बिताती है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है भाई, इसका इसका साक्ष्य भी तो सामने आए, इसका खुलासा तो हमारा बजाते रहो भारत की टीम ही कर सकती है। नहीं बजाते रहो भारत की टीम में आपने भी कहा था कि मैं भी शामिल हो गया हूँ, और इसको जब तक भगा नहीं लूंगा, माथा नहीं मोड़ दूंगा, मुंह काला नहीं कर दूंगा, मैं अपने को अलग कहा मान रहा हूँ,
देखिए मैं आपको बता दूं, भारत विद्वानों का देश है। इसी देश में, बिहार की धरती में, अंजना ओम कश्यप जी एक बहुत बड़ी पत्रकार है जो कहती है, भटकते भटकते घर से निकली थी, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी, और जो घर से निकले ही नहीं उन्हें मंजिल क्या मिलेगी। अच्छा, ये अंजना जी बोली थी। हाँ, दुबई में। तो मुझे उसी पंक्ति पर ये समझ में आ रहा है कि राजवर्धन सिंह परमार, सोनी मिश्रा, आस्था माँ और देश दुनिया से जुड़े जितने लोग हैं, बजाते रहो भारत में, भटकते भटकते कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाएगी, सीमा जेल जाएगी और उसके बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, तब साड़ी मिश्रा का हम स्वागत करेंगे माला पहनाकर। नहीं, हमारा क्यों स्वागत करेंगे, हम तो पत्रकार हैं भाई, हमारा तो काम है आवाज उठाना, नेता तो आप हैं। अरे हम तो हम नेतागिरी कर रहे हैं, हमें तो चुनाव नहीं लड़ना है नेताजी, चुनाव नहीं लड़ना है, देश में चुनाव लड़ना, नहीं नहीं नहीं, चुनाव लड़ना ही बड़ी बात नहीं है, देश में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ऐसे तमाम पुरस्कार हैं जो समय समय पर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री की रिपोर्ट के आधार पर। अनुज कोरी कह रहे हैं, नेताजी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ करिए, आपसे उम्मीद है भाई, पूरा भारत आपसे उम्मीद लगाए हुए है, पूरा भारत अगर उम्मीद लगाए तो मैं भी भारत का, क्या भले 144 धारा लगा हुआ है, एक बात बताइए, सीमा हैदर क्या दुनिया भर की भीड़ तो लगती है, सीसीटीवी कैमरा में दिखाती है कि ये देखो बाकी कितने लोग खड़े हैं। सीमा हैदर पर्चा खरीदने जा रही है, चुनाव लड़ेगी। अच्छा, पर्चा खरीदने जा रही है, चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये परमार जी कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे, सीमा हैदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ, देश की नागरिकता नहीं है, देश का आधार कार्ड नहीं है, 6-6 फर्जी पासपोर्ट है उसके पास, फिर भी हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, लेकिन तो ये सब जो चाह रही है तो वो तो परमार जी को अंगूठा दिखा रही है ना, कि कोई कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी चिल्ला लीजिए कुछ नहीं हो सकता। हमें ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, हमें इतना अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका भी, धन्यवाद देता हूँ इस शब्द को कहने वालों का, जो ये कहते हैं, जो कहते हैं कि परमार जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे तो परमार जी से सबको उम्मीद है ना, भारत के लोगों को उम्मीद है, उम्मीद आपने जगाई, तो भाई परमार जी अगर साइलेंट मोड में आ गए हैं तो भाई जगाने का काम कर रही है ना भारत। शेर जब शिकार की तलाश में कहीं साइलेंट बैठता है तो 5 कदम पीछे जाता है, और 5 कदम पीछे जाकर फिर 12 कदम आगे बढ़ता है अपने शिकार के लिए। तो अभी मैं साइलेंट बैठा हूँ क्योंकि मुझे नया टारगेट करना है।